हेलो गाइस, वेलकम टू एलिवेट क्लासेस। आज आपकी मैथ की 6ठी क्लास है। हम एलिवेट क्लासेस पर कंप्लीट 10th मैथ सिलेबस करा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन और एक एक एग्जांपल सहित। ठीक है, मैं आपको दो तीन स्टेप करा चुका, यानी कि 5 क्लासेस करा चुका। जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। जब आपको उसने वर्ग अंतराल दिया हो और आपको वर्ग अंतराल के साथ वो आपको देता है विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या का मतलब उसने बारंबारता दे रखी है, यानी कि एफ दे रखा है आपको। ठीक है, उसने 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100 दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन ये हैगा आपका। इसको हम करेंगे प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, जब आप इसे प्रत्यक्ष विधि से करोगे तो आप नीचे एक सारणी बना सकते हो इस टाइप की। ठीक है, जब आप सारणी बनाओगे तो आपको सबसे पहले निकालते हैं आप एक्स। विद्यार्थियों की संख्या को मैंने एफ लिख दिया है और आप निकालोगे एक्स। एक्स कैसे निकलता है? जो आपका उसने वर्ग अंतराल दिया है, यानी कि 10 और प्लस 25। 10 25 कितने होते हैं आपके? ये हो जाएगा 40। 40 का आधा, सॉरी 35। 35 का आधा हो जाएगा आपका 17.5। ठीक है, 25 और 40 ये आपके हो जाएंगे 75। 75 का आधा हो जाएगा आपका 65। 65 का आधा हो जाएगा 32। 32.5। 40 और 55 जब आप इनको ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 95, और 95 का आधा हो जाएगा आपका 47.5। ठीक है, और जब आप 55 और 70 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 125। 125 का आधा हो जाएगा आपका 62.5, 2 से भाग करने पर। 70 और 85 को जब आप ऐड करोगे तो आपका ये हो जाएगा 155। 155 का आधा बैठेगा आपका 77.5। ठीक है, और ये आपका 85 और 100 को ऐड करने पर ये हो जाएगा 185। 185 का आधा हो जाएगा आपका 92.5। ठीक, अब आप अपना क्या निकालोगे? आप एफ एक्स निकालोगे, एफ इंटू एक्स। यानी कि जब आप एफ इंटू एक्स, यानी कि 2 × 17.5 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35। ठीक है, जब आप इसकी इसमें गुणा करोगे, यानी कि 3 × 32.5, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 97.5 आ जाएगा। जब आप 7 × 47.5 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 332.5। जब आप इसकी 6 × 62.5 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 375 आ जाएगा। जब आप 6 × 77.5 करोगे तो आपका आ जाएगा 465। ठीक है, और जब आप 6 × 92.5 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 555 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आप होगी। हम निकालते हैं, फिर मैंने आपको हमेशा कह रखा था हम सिग्मा एफ निकालते हैंगे। क्या निकालते हैं? सिग्मा एफ। सिग्मा जिसके पीछे लग जाता है, बार बार बोलता हूं मैं हमेशा, सिग्मा जिसके पीछे लग जाता है उसका होता है मतलब योग। 2 3 5 7 5 12 12 12 6 18 18 6 24 24, ही हो गए कितने? 24 6 हो गए आपके 30। फिर मैंने आपको हमेशा कह रखा है, तो आप क्या निकालोगे? सिग्मा एफ एक्स निकालोगे, यानी कि जो आपने ये कैलकुलेट करके निकाला इस सब का योग निकालोगे। जब आप इन सब का योग करोगे तो आपका आ जाएगा 1860 आ जाएगा। ठीक है, आपका फॉर्मूला क्या लगता है? फॉर्मूला मेरे पे यहाँ स्पेस नहीं है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्पेस नहीं है तो मैं दूसरे पेज पर कर देता हूँ। ठीक, ये देखिएगा फॉर्मूला, आपको हमेशा बताया मैंने, माध्य बराबर, माध्य बोल दो या समांतर माध्य एक ही बात होती है, हम इसे एक्स बार से डिनोट करते हैंगे। ठीक है, तो एक्स बार बराबर आपका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। ठीक है, एक्स बार क्या होता है आपका? ये निकालना है, सिग्मा एफ एक्स आपका निकला था 1860 निकला था आपका, और सिग्मा एफ आपका निकला था 30। जब आप इसे जीरो से जीरो कट गई, ठीक, कितना बचाइए? 1860 सॉरी 186/3। जब आप इसे 3 से काटोगे, 3 ही कम 3, और 3 से इसे डिवाइड करो, 3 × 6 18, बचा कितना? 6, 3 × 2 = 6। तो x बार बराबर आपका कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया समांतर माध्य निकल के, यानी कि माध्य निकल के आ गया। आप अपने आंसर को ऐसे बॉक्स में बंद कर देना और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसी बेस पर आपका सेकंड क्वेश्चन हैगा। वो सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से, निम्नलिखित बंटन का समांतर माध्य, देखिए माध्य हो या समांतर माध्य एक ही बात होती है, ज्ञात कीजिए।
उसने आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, यानी कि बारंबारता दे रखी है। बारंबारता का मैंने आपको पहले भी बताया था, बारंबारता का मतलब होता है एफ। ठीक है, आप एक सारणी दूसरी बना लेंगे, जब आप बोर्ड के अंदर सॉल्व करेंगे आप निकालते हैं सबसे पहले एक्स। एक्स का मैंने हमेशा आपको बताया इन दोनों का जोड़, ये उच्च सीमा होती है, ये निम्न सीमा होती है। ठीक है, यानी कि 10 और 12 को जोड़ोगे 22, 22 का आधा कितना जाएगा 11। जब आप 14 और 12 को जोड़ोगे 26, 26 का आधा हो जाएगा 13। जब आप 14 और 16 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 30, और 30 का आधा करोगे तो 15 हो जाएगा। जब आप 16 और 38 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 16 और 18 को जोड़ोगे 34, 34 का आधा हो जाएगा 17। फिर मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप क्या निकालते हो, एफ इंटू एक्स निकालते हो। ठीक है, एफ इंटू एक्स। ठीक, एफ इंटू एक्स का मतलब 7 गुणा 11, 11 7 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। जब आप ये करोगे 12 गुणा 13 करोगे, तो 12 गुणा 13 करने का मतलब क्या है, आपका जाएगा 156 आ जाएगा, 156। जब आप 18 गुणा 15 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 270। ठीक है, जब आप 13 गुणा 17 करोगे, 13 गुणा 17 करोगे तो आपका आ जाएगा 221 आ जाएगा। मैंने आपको हमेशा बोला हैगा कि आप सबसे पहले क्या निकालोगे, सिग्मा एफ निकालते हो। जब आप सिग्मा एफ निकालोगे ना, टोटल को जोड़ लेना, 17 5 19 19 18, ये टोटल हो जाएगा आपका 50। ठीक है, और जब आप सिग्मा एफ एक्स निकालते हो, सिग्मा का मतलब होता है का योग। जब आप इन सब को जोड़ोगे जो आपका आंसर आया था साइड में, टोटल को जोड़ने पर आपका आ जाएगा 724। ठीक है, आपको निकालना क्या था, एक्स बार निकालना था ना, तो आप फॉर्मूला लगाइए माध्य बराबर, यानी कि उसने समांतर माध्य बोला ना, माध्य होता है आपका एक्स बार। ठीक है, तो यहाँ समांतर माध्य कर दो, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो एक्स बार बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स, कितना निकला 724, तो आप यहाँ 724 रख देंगे। ओके, और बटे में आप कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिग्मा एफ हो जाएगा, सिग्मा एफ कितना निकला था आपका 50 निकला था, तो आप यहाँ पे 50 रख देना। जब आप इसे 2 से कट करोगे, दोनों डिवाइड को, दोनों सम है तो 2 से कट जाएगी, 2 से कटोगे तो 2 2 4, 2 5 10, 50 आ गया। और इसे भी 2 से ही काटना पड़ेगा, 2 3 6 बचा 1, ये 12 हो गया, 2 6 12, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 362/25। जब आप इसे 25 से पूरे से भाग करोगे, 25 एकम 25, पॉइंट में आएगा आपका आंसर। इसे भी 25 से भाग करो, यह आ जाएगा 25 एकम 25, फिर 4 बार चले 25 चौका 100, दशमलव लगाई 0 बढ़ाई, फिर हो जाएगा 25 चौका 100, तो ये नहीं क्या जाएगा, ये आपका एक्स बार बराबर 14.48, ये आपका आंसर आ गया। और मैंने हमेशा कहा अपने आंसर को बॉक्स में बंद कर देना। देखिए पॉइंट वाली भाग करना कोई बड़ी बात नहीं है, जब आप भाग करते हो यानी कि 362 को आप अंदर रखोगे और 25 को बाहर रखोगे। ठीक है, तो भाग करके देख लेना, 25 एकम 25, ऐसे ही होती है भाग। ठीक है, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1 बचा तो 2, 25 चौका 100। ठीक, घटा दो कितने बचे 12, ना चल दशमलव लगाई 0 बढ़ा ली। ठीक है, 25 चौका 100 हो गया, फिर से बचा कितना 20, ना चलने की 0, 25 चौका 25 8 200 होता है, पूरा पूरा कट गया आपका ये। ठीक है, ये होती है, देखिए आंसर सेम आया ना आपका, ये ही होती है आपकी दशमलव वाली भाग। अगर इस क्लास इस चैनल पर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। जो बच्चे 2025 की बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, उन सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।